कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण सूत पुत्र कहलाया था। आपको बता दें, अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला ना अपना अधिकार मिला। कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, उससे कर्ण ने विवाह से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। भगवान कृष्ण कर्ण की मृत्यु का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। इसी तरीके से ही कर्ण का वध हुआ। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए थे। आपको बता दें, कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ण के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो, यह समझ नहीं आया। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ बैकुंड धाम भेजना पड़ा था। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।